नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसात के मौसम में घरों में अक्सर कन खजूरा निकल आता है, जिसे देखकर हम भयभीत भी हो जाते हैं और उसे मारने का प्रयत्न करते हैं। कन खजूरा अक्सर लोगों के घरों में देखा जा सकता है और लगभग हम सभी लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, कन खजूरे का घर आना कुछ सांकेतिक भाषा में ऐसा बताया जाता है कि कन खजूरे का घर आना कुछ अशुभ और कुछ शुभ संकेत लेकर आता है। दोस्तों, क्या है वे शुभ संकेत और क्या है वे अशुभ संकेत, हम दोनों की ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, नंबर एक, अगर कन खजूरा आपके घर में, आपके मंदिर में या मंदिर के आसपास आपको दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कन खजूरा के आपके मंदिर के आसपास अथवा मंदिर में दिखाई देने से आपके शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आपका रुका हुआ कार्य जल्द ही पूर्ण होगा, अथवा जो नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यों को अटकाती हैं, रोक देती हैं, आपको नुकसान कराती हैं, वे समाप्त हो जाएंगे और सकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से शीघ्र ही आपका कार्य पूर्ण होगा और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कन खजूरे को वास्तुशास्त्र के हिसाब से राहु का प्रतीक समझा गया है और राहु एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जो मनुष्य को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है और कभी कभी आसमान से उठाकर वापस जमीन पर भी पटक देता है। दोस्तों, राहु का ही खेल है कि वह व्यक्ति को कभी ऊपर और कभी नीचे कर सकता है। तो उसका प्रतीक कन खजूरा, उसके दिखने के जो संकेत हैं वे राहु के ही संकेत हैं। इसलिए दोस्तों, मंदिर के आसपास अथवा मंदिर में दिखाई देने वाला कन खजूरा आपको विजय दिलाता है, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण कराता है। नंबर दो, कन खजूरा आपके घर में आया, आपको दिखा और फिर लुप्त तो हो गया, कहीं छुप गया, उसके बाद आपने पूरा घर ढूंढ दिया, हर जगह उसे ढूंढा लेकिन वह फिर नहीं मिला, तो यह भी एक शुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब आपके बुरे दिन समाप्त तो होने वाले हैं और आप शीघ्र ही कोई योजना बनाकर अथवा कोई तिकड़म या कोई नीति से आप धनार्जन करेंगे, आप अपने रुके हुए कार्यों को वापस संचालित करेंगे और जो कार्य आपको घाटा दे रहा था अब वह भी आपको लाभ देने लगेगा। यानी कि अगर आपने कोई व्यवसाय अथवा कोई और कार्य शुरू किया है जिसमें आपको बार बार घाटा पे घाटा होता जा रहा था, अब वही व्यवसाय धीरे धीरे आपको लाभ देने लगेगा और आपके घर में धनागमन होने लगेगा। नंबर तीन, आपके घर में आपको कन खजूरा मरा हुआ मिलता है, तो दोस्तों यह भी एक शुभ संकेत समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा जो आपके या आपके परिवार के ऊपर आने वाली थी वह टल गई, उस कन खजूरे ने उस विपदा को अपने ऊपर ले लिया, अपने प्राण देकर उसने आपके ऊपर आने वाले संकट को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, तो यह भी आपके लिए एक शुभ संकेत समझा जाता है। नंबर चार, वैसे तो कन खजूरा बरसात के मौसम में अक्सर ही घरों में दिखाई देता है, परंतु बेमौसम यानी कि बरसात का मौसम नहीं है, कन खजूरा या कीड़े मकोड़ों के बाहर निकलने का मौसम नहीं है, फिर भी कन खजूरा अगर आपको आपके घर में दिखाई देता है, आपके फर्श पर चलता हुआ दिखाई देता है, तो यह एक अशुभ संकेत समझा जाता है। दोस्तों, तब आप उस कन खजूरे को पकड़कर, अपने हाथ से नहीं पकड़ना है क्योंकि वह काट सकता है, किसी भी प्रकार से उसे पकड़कर उसे घर के बाहर फेंक दीजिए, उसे मारना नहीं है क्योंकि अगर आपने उसे मारा तो यह राहु देव को पीड़ित करेगा और पीड़ित राहु आपके कार्यों को अटका देंगे, आपके लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे, इसलिए उस कन खजूरे को बाहर फेंक दीजिए। नंबर चार, कन खजूरा अगर आपके रसोई घर में आपको दिखाई देता है तो दोस्तों यह भी शुभ संकेत नहीं समझा जाता क्योंकि रसोई से वास्तु अथवा राहु का कोई लेना देना नहीं है, अगर वह
आपके रसोई घर में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि राहु आपका पीड़ित है और शीघ्र ही आपको राहु के उपाय करने चाहिए अथवा आपको नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे आपके ऊपर आने वाले संकट कट जाएं और आपके कार्यों में आने वाले विघ्न भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएं। दोस्तों, पीड़ित राहु के लिए जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से पीड़ित राहु भी आपको अच्छे फल देने लगता है। नंबर 5, कन खजूरा आपको आपके लैट्रिन बाथरूम अथवा सीढ़ियों या छत पर दिखाई दे तो दोस्तों यह भी राहु के पीड़ित अथवा कमजोर होने के संकेत हैं, क्योंकि राहु लैट्रिन बाथरूम सीढ़ियों एवं छत घर की छत का प्रतीक भी होता है और कन खजूरा भी राहु का प्रतीक होता है। तो यह अगर आपको इन जगहों पर दिखाई देते हैं तो भी उसे लेकर उसे पकड़कर आप बाहर फेंक दीजिए, घर के बाहर फेंक दीजिए, जिससे आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे समाप्त हो जाएं और नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। नंबर 6, कन खजूरा अगर आपको रात्रि 8 या 8:30 बजे के बाद दिखाई दे अथवा अमावस्या के दिन दिखाई दे तो दोस्तों इसे भी अशुभ ही समझा जाता है। कन खजूरा बहुत से ऐसे अशुभ संकेत लेकर आता है जो कि नहीं होने चाहिए घर में, यह आपके घर में कलह करा सकता है, क्योंकि कन खजूरे का रात्रि में अथवा अमावस्या के दिन दिखाई देना इस बात का संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान हैं जो आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करती हैं और जो आपके कार्यों को होने नहीं देती, उन्हें अटका देती हैं। इसके अलावा वह आपके घर में कलह भी कराती हैं। जब आपको ऐसा दिखे तो कन खजूरे को पकड़ के फेंक दीजिए। कभी भी कन खजूरे को घर में नहीं मारना है। अगर आपने कन खजूरे को घर में मारा तो राहु तो पीड़ित होगा ही, साथ उसकी नकारात्मक शक्तियां भी आपके घर में विराजित हो जाएंगी। इसलिए कन खजूरे को कभी भी ना मारें, उसे उठाकर घर के बाहर फेंक दीजिए। इससे आपके घर में शांति होगी, साथ ही नित्य ही हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय सियाराम।